लगातार हो रही बारिश निधन ग्रामीणों का दर्द बढ़ा रही है। मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान ढह रहे हैं तो उनकी मदद कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पहले ही उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया, दूसरे बारिश ने भी सिर छिपाने के लिए बना कच्चा ठिकाना भी छीन लिया। बारिश से घर ढहने वाले ऐसे ही कुछ ग्रामीणों ने मिशन आत्मसंतुष्टि में मदद की गुहार लगाई। इस पर संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। यह मामला सवाईशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड सांडी का है। यहाँ की ग्राम सभा श्री मऊ निवासी हरिप्रकाश कोरी एवं ग्राम सभा मंसूरापुर निवासी बड़ंकू राठौर का कच्चा घर बारिश के चलते ढह गया। दोनों ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने के कारण वे अपने लिए एक आदत पक्का आसियाना भी नहीं बना सके। सिर छिपाने के लिए बना इकलौता कच्चा मकान भी शुक्रवार सुबह अचानक ढह गया। छत गिरने से मलबे के नीचे दबने से 3 बकरियों की भी मौत हो गई। हादसे में परिवार जन बाल बाल बच सके। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्राम सभा जिगनी चौगमा निवासी राजीव कुशवा के वहां भी मिट्टी का घर 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण ढह गया। इन ग्रामीणों की सूचना मिलने पर तत्काल मिशन आत्मसंतुष्टि के संस्थापक एवं संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू ने उनके घर जाकर तत्काल मदद की। उन्होंने आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मदद मिलने के बाद पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि सवाईशपुर क्षेत्र के विकास के लिए राजवर्धन सिंह जरूरी हैं। इस दौरान पूर्व प्रधान मंगरौरा देवेश शुक्ल, मोनू सिंह, आमिर मंसूरी, अर्जुन यादव, रामकिशोर मस्ताना आदि स्थानीय लोग मौजूद रहे। मीडिया 100 न्यूज हरदोई से रामकिशोर मस्ताना की रिपोर्ट। आज आपके क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम कैसा रहा, क्या क्या किया आपने? देखिए, सुबह हम जब सो के उठे हैं 7:30 बजे, सबसे पहला फोन बड़ंकू राठौर जी का आया हमारे पास, जो कि मंसूरापुर के निवासी हैं। वो रोते रोते उन्होंने अपनी दुखद स्थिति बताई, तो तत्काल हमने कहा चलो चलते हैं देखें क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भैया हमारा घर गिर गया, कच्ची कोठरी में रह रहे थे और हमारे मवेशी जो थे वो दब के मर गए हैं, बकरियाँ वगैरह पाल रखी, गरीब आदमी थे। तत्काल हम लोग पहुँचे उनके गांव में, उनकी मदद की, उनके 3 भाइयों की दशा वैसे बदतर थी, उनकी मदद की। उसके बाद फिर हम लोग आए जिगनी, जिगनी में कुशवाहा परिवार, वो भी बहुत गरीब था, उनकी मदद की। फिर एक कठहरिया समाज के लोग थे, उनकी मदद की। फिर एक ब्राह्मण परिवार था, उनकी मदद की। कहने का मतलब जब हम लोग निकले हैं, फिर उसके बाद एक दलित समाज का परिवार श्रीमो के पास में एक गाँव है पुरवा, वहाँ मृत हो गया था, उनको अंतिम संस्कार करने की भी, उनके पास आर्थिक स्थिति थी, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। यही पूरे दिन हमारा भ्रमण का कार्यक्रम रहा और लगातार यही प्रयास रहता कि दिन दुखी लोगों की सेवा हम लोग कर पाए। धन्यवाद।